हेलो स्टूडेंट्स, आज आप डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसैप्ट रोल्स थ्योरम। ठीक है जी, अपने सिलेबस के दो टाइप्स के थ्योरम ने अपने डेरीवेटिव चैप्टर के एक तो रोल्स थ्योरम आ, दूसरी हैगी अपने को लंग्रांज थ्योरम। ठीक है जी, अज आप रोल्स थ्योरम बारे डिस्कस करा तो शाम करा कल ही रोल्स थ्योरम बारे सॉरी लंग्रांज थ्योरम बारे पढ़ा। ठीक है जी, जिवें अपने को फस्ट जो कंसैप्ट आदि स्टैप ने, ठीक है, भी किवें आप वेरीफाई करना, किवें चैक करना गा। ठीक है, यूज करके पहला स्टैप की है, जो सब तो फस्ट इंपोर्टेंट स्टैप आ वो अपने को जी एफ एक्स इज कंटिन्यू इन क्लोज्ड इंटरवल ए वी। ठीक है जी, देखो ओपन के क्लोज इंटरवल बारे आप पढ़िया हुआ भी ओपन इंटरवल के आप जी वैल्यू दी वो नहीं लैनी होंगी, विचाली वैल्यू लैनी होंगी आ। क्लोज्ड के आप विचाली वैल्यू तो लैनी लैनी नाल जी आप मतलब कि मेन वैल्यू भी आप यूज कर सकते। ठीक है जी, पहला आप स्टेप फंक्शन की चैक करना, कंटिन्यू चैक करना। नैक्सट आप चैक करना गा डेरीवेबल, वो डिफरेंशिएबिलिटी चैक करनी। ठीक है, तां करके सूँ कंटिन्यूटी तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसैप्ट पहला करवाता सी। ठीक है, वो चैक करना आप ओपन इंटरवल के डिफरेंशिएबल टू ओपन इंटरवल। नैक्सट थर्ड स्टैप की आ, जिहड़ा ए ते बी आपां नूं इंटरवल दिता वो फंक्शन के पुट करके चैक करांगे भी वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, जो इक्वल आ गए तो आप लिखना देयर एग्जिस्ट वन सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश, मतलब डेरीवेटिव के सी पुट करके जीरो के इक्वल रख के आप सॉल्व करा। ठीक है जी, आह तीन स्टैप ने इन्हों ध्यान रखना गा। हूँ आप एक सम कर दिया इन्ह स्टैप की हैल्प देना। ठीक है, किता जी एफ एक्स किता जी आपको एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ऑन इंटरवल की दिता जी आपको वन ते थ्री। ठीक है जी, हूँ देखो फस्ट स्टैप की आजगा जी अपने को एफ एक्स ज कंटिन्यू। ठीक है जी, कंटिन्यू क्यों आगा? ठीक है, इन वन थ्री क्योंकि जोड़ा कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन होंदा गा वो अपने को कंटिन्यू ही होंदा गा। ठीक है जी, ध्यान रखना गा जोड़ा कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन होंदा वो कंटिन्यू इतने लिख देना एफ एक्स, उत्थे लिखना एफ एक्स इज पॉलीनोमियल इन एक्स। ठीक है जी, यहाँ मतलब जो कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन होंगे वो क्यों होंगे अपने को कंटिन्यू होंगे। हूँ नैक्सट आप सैकंड स्टैप की सी अपने को एफ डैश एक्स। ठीक है, डेरीवेटिव कैलकुलेट करना, डेरीवेटिव कि आ जाएगा जी टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, हूँ देखो जी आप किमें चैक करना गा, जो डिफरेंशिएबिलिटी चैक करनी हैगी वो आप जो फॉर्मूला दसाया से वो ला के तुम चैक भी कर सकते, कोई चक्कर नहीं। बस डेरीवेटिव चैक करने बाद यही ध्यान रखना भी कितने जो डेरीवेटिव आ वह इनफिनिटी का नहीं बन रहा, आ जी वैल्यू दी है ये जी मर्जी वैल्यू पुट करके देखो ये फंक्शन के ये डेरीवेटिव के। ठीक है, वो इनफिनिटी नहीं बनू, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आऊगी जीरो पाँच, क्यों इनफिनिटी तो फिर आऊगा ना, जो नीचे जीरो होगी तो नीचे कुछ आई नहीं। मतलब एफ डैश एक्स की आ एफ एक्स इज डेरीवेबल इन ए वी, ए वी मतलब वन थ्री के। ठीक है जी, हूँ थर्ड स्टैप की सी अपने को एफ वन पुट करना। ठीक है जी, मतलब फंक्शन के पुट करना, आप वन पुट कराएं कि आजगा जी अपने को जीरो, फंक्शन थ्री पुट करा फिर भी कि आजगा जी अपने को जीरो, यदा मतलब एफ वन तो एफ थ्री की बन गया अपने को जीरो। ठीक है जी, कहना मतलब एफ ए तो एफ बी की हो गया आपस में इक्वल हो गए, कहीं इक्वल आ गया जीरो जी। ठीक है जी, हूँ देखो एक गल ध्यान रखना, जरूरी नहीं भी जीरो आए, ठीक है, कुछ भी आ सकता गा। हूँ देखो तीन जिहड़ियां अपने को कंडीशन हो गई सैटिस्फाई हो गई, हूँ आप इत लिखना गा आल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड। ठीक है जी, वेरीफाई हो गया, अगे की लिखना देयर एग्जिस्ट वन सी बिटवीन वन एंड थ्री, कहना वन ते थ्री जी आपको वैल्यू दी है ए ते बी, ये कोई ना कोई यहोजा पॉइंट हैगा ही हैगा सच दैट एफ डैश सी नू किहदे को रखना आप जीरो, कहना मतलब जो डेरीवेटिव करा किया आप जी सी पुट करके जीरो के इक्वल रखना। ठीक है, कि आजगा देखो जी एफ डैश सी कि टू सी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, टू सी इक्वल टू कि आजगा जी अपने को फोर, सी कि आजगा जी अपने को टू, ए की आ गया जी अपने को आंसर आ गया। हूँ तुम देखो ध्यान चैक करो भी जो सी आया अपने को टू आ गया वो वन ते थ्री के बिच लाई करता। ठीक है जी, यदा मतलब जी अपनी जी रोल थ्योरम वह वेरीफाई होंगी आ। ठीक है जी, दोबारा एक बार आप फिर डिस्कस करते हैं स्टैप्स बारे।
ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਐਫ ਏ ਅਤੇ ਐਫ ਬੀ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਉਹ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਿਫਥ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਗਰਾਂਜ ਥਿਊਰਮ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ।